हमारे सामने खड़ी टाटा टियागो ICN एंड थैंक यू संगी ब्रदर्स टाटा उज्जैन फॉर प्रोवाइडिंग द व्हीकल। एंड अगर कोई भी टाटा की गाड़ी देख रहे हैं या लेना चाह रहे हैं तो आप विजिट कर सकते हैं संगी टाटा उज्जैन जो कि है आगर रोड पे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड यहाँ पे इस वीडियो में अभी हम चला रहे हैं टाटा की टियागो CNG जो कि ICNG टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। एंड ये टाटा की सबसे पहली गाड़ी है एंड बाकी सेगमेंट में पहली गाड़ी है जो कि आप CNG में इसको स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। बाकी गाड़ियों में क्या होता है, बेसिकली पेट्रोल पे स्टार्ट होती है एंड उसके बाद में आप CNG पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें आप डायरेक्टली इसको CNG पे स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। एंड इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, बेसिकली सभी मिलते हैं पेट्रोल एंड CNG दोनों का ही। और ICNG टेक्नोलॉजी काफ़ी सही है एंड कंपनीज की जो एफिशिएंसी क्लेम करती है CNG में वो करती है 26 किलोमीटर पर लीटर की, पर लीटर नहीं पर केजी की, जो कि काफ़ी सही है सिटी के हिसाब से भी एंड हाईवे के भी। एंड बाकी गाड़ी की जो अर्गोनॉमिक्स है एंड डिज़ाइन वाइज है वो नॉर्मल जो पेट्रोल टियागो आती है सेम इट इज़ वैसी ही है। एंड अगर बात करें सेफ्टी की तो यहाँ पे आपको ABS EBD एंड दो एयरबैग जो है वो स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। साथ में इसमें एक ब्लैक कलर भी कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने के लिए। एंड साथ में अगर बात करें इसके ABC यानी कि एक्सेलरेटर ब्रेक एंड क्लच की तो यहाँ पे पिकअप वाइज काफ़ी सही है। वैसे अभी CNG में है फिर भी आप हल्का सा इसको मतलब पुश करेंगे इसके एक्सेलरेटर को तो अच्छा खासा पिकअप जो है गाड़ी पकड़ लेती है। इतना वैसे पिकअप देखने के लिए ज़्यादातर नहीं मिलता क्योंकि CNG में सबको पता है कि यार पावर ड्रॉप हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें क्या है पावर वाइज काफ़ी अच्छा आपको एक पंच मिलता है। एंड अगर बात करें ब्रेक्स की तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में मिलेंगे ड्रम ब्रेक। एंड ब्रेक की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, मतलब शॉर्ट फुटेड ब्रेक्स है। एंड बात करें क्लच की तो क्लच भी लाइट है, मतलब आपको कोई ज़्यादा आपको हार्ड प्रेस नहीं करना पड़ेगा। एंड इसकी जो थ्रोज है क्लच की वो भी शॉर्ट ही है तो वो भी सही है। एंड सिटी के हिसाब से अगर देखेंगे तो काफ़ी इजी टू मनूवर है, काफ़ी आसानी से सिटी में आप इसको ड्राइव कर सकते हैं और काफ़ी मतलब अच्छा आपको जो है व्यूइंग एंगल मिलता है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई पार्ट गाड़ी का जो है वो देखने में समस्या आ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें जो हैं इजी टू विजिबल हैं, सब चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती है। एंड अगर हम बात करें इसके गियर्स की तो इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है एंड साथ में गियर बॉक्स की जो थ्रोज है एंड जो शिफ्टिंग है काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी एक्यूरेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको ज़्यादा आपको आगे प्रेस करना पड़ रहा हो, बिल्कुल इजीली जो है शिफ्ट हो जाते हैं। एंड जो इसके थ्रोज है वो शॉर्ट ही हैं। एंड साथ में अगर बात करें इसके इंजन नॉइज़ की तो अभी जो गाड़ी के चारों कांच लगे हुए हैं एंड इंजन की ऐसी कोई खास नॉइज़ आ नहीं रही है, नॉर्मली ही नॉइज़ मतलब है काफ़ी कमी, मतलब ऐसा कुछ केबिन नॉइज़ ज़्यादा नहीं है। जब म्यूज़िक चलाएंगे तो आपको कुछ बाहर का इंजन का शोर शराबा जो है वो अंदर बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। एंड अगर बात करें इसके सस्पेंशन की तो यहाँ पे हल्के से स्टीफ रखे गए हैं जिससे कि आपको सिटी में हल्का सा जो बम्प से फील होते हैं, लेकिन हाईवे पे काफ़ी एक अच्छी आपको जो है स्टेबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील की तो काफ़ी लाइट वेट एंड ईजी टू ऑपरेट आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, काफ़ी स्मूथली टर्न होता है। एंड हॉर्न आपको इस टाइप का मिलता है और साथ में यहाँ आपको कोई भी ब्लाइंड स्पॉट ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। सो कि जैसा कि आपने देखा अभी इसको मैंने फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में इजीली पिकअप आप कर सकते हैं। सो अभी इसको एक बार 0 से पिकअप करके देखते हैं दोनों में पेट्रोल एंड CNG में एंड देखते हैं कैसा क्या रिस्पॉन्स हमको देखने के लिए मिलता है। इसको 0 पे आ गई है एंड इसको फर्स्ट ईयर में डाल के देखेंगे तो काफ़ी एक अच्छा आपको पंच वाइज काफ़ी अच्छा मिल जाता है। CNG घूमने के बावजूद भी आपको काफ़ी अच्छा, मतलब सेकेंड ईयर में 43 तक पहुँच गई एंड अगर बात करें थर्ड ईयर में तो यहाँ पे अभी 62, 65, 67 तक एंड और भी आगे तक अगर आप पुश करेंगे तो जा सकती है, लेकिन क्या मतलब आ रही है उसको फालतू गाड़ी को पसंद करें। वाइज भी काफ़ी सही है हाईवे पे, आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस में भी यूज़ करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ब्रेक वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं, सो ओवरऑल काफ़ी सही है क्योंकि अभी इसे बेसिकली जो टाटा का भी मेन ड्राइवर है वो है मारुति एंड मारुति में ये फील होता है कि आपने जैसी गाड़ी CNG में डाली वो जो कहीं ना कहीं आपको जो लैग है वो महसूस होता ही है, पर इसमें ऐसा नहीं है कि कोई लैग का इशू नहीं है। सबसे अच्छी बात कि CNG में स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों चीज़ें मिल जाती है और अभी तो खैर आपने देखा ही होगा ऑटो एक्सपो में तो यहाँ पे ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आने वाली है जो कि टाटा की तरफ से फर्स्ट होने वाली है, जिसमें क्या होगा कि आपको बूट्स पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगी।
सो गाइस आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड मुझे तो इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला, एंड कोई ऐसा इशू नहीं, लेग वेग का नहीं। अभी हम गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन पावर का ऐसे लेग या फिर पावर ड्रॉप ऐसा कुछ ज़्यादा फील नहीं होता है। सो काफ़ी अच्छी है, एंड इसके एवरेज का भी अच्छा है, तो बिल्कुल आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू।